दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे पौंडीचेरी T10 मैच के बारे में, जो कि यहां से खेला जाएगा स्मैशर्स और किंग्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम यहीं पे मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं, तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में बिश्नोई का सबसे पहले ऑप्शन होने वाला है। अगर हम बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं दोस्तों बिश्नोई के, तो वैसे तो नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं, लेकिन अगर लास्ट एक दो मैचेस में देखोगे तो नंबर 5 से भी नीचे बैटिंग करने आ रहे, तो इसलिए मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी अगर आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। रीसेंट की फॉर्म के बारे में बात करें, 14 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले 21 रन इन्होंने करे, 20 रन करे। अगर मुझे अपडेट मिलती है कि ये ऊपर बैटिंग करेंगे तो हम इनको ट्राई कर सकते हैं, बट अभी तो हम इनको ड्रॉप करके चल रहे हैं। यहाँ से राजगोपाल को ज़रूर आप ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन अगर इनका भी परफॉर्मेंस देखोगे दोस्तों, जिस नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले या नहीं नज़र आने वाले, पहले तो ये भी ओपन ही कर रहे थे दोस्तों, लेकिन लास्ट मैच के बारे में बात करोगे तो चेंज था कुछ, इनको भी काफ़ी नीचे बैटिंग करने भेज दिया। मतलब नंबर 8 पे इनका बैटिंग ऑर्डर था, ठीक है, नंबर 8 पे एक तो बैटिंग ऑर्डर था, और ऊपर से जब पहले ओपन कर रहे थे उस समय इन्होंने 16 रन करे एक मैच में, 5 रन करे, 8 रन करे, 18 रन करे, तो ओपन करते हुए ही इन्होंने रन नहीं बनाए, तो यार इतने नीचे आके तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे संभव के बारे में बात करें, ओपन करते हुए नज़र आएंगे, लास्ट में 6 रन करे, उससे पहले 68 रन इन्होंने करे, फिर 4 रन करे, 14 रन करे। अब भाई देखो, परफॉर्मेंस चाहे कैसा भी रहा हो, इस बंदे का रन बनाए हो या नहीं बनाए, ओपन करेगा तो रन बनाने के चांस इसी के पास ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इनको अपनी टीम में रख रहा हूँ, बाकी कोई और ऑप्शन तो है भी नहीं। बैटिंग में रामामूर्ति आपको ओपन करते हुए नज़र आएंगे, लास्ट में 16 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 1 रन करे, फिर 0 रन करे, 27 रन करे, 58 रन करे, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो, मैं इनको अपनी टीम में रख रहा हूँ। इनके अलावा जीसन नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, हार्ड हिटर बैट्समैन है, लास्ट में जल्दी आउट हो गए, 6 रन पे, उससे पहले 22 रन करे, 11 रन करे, 29 रन करे, 32 रन करे, और अभी तक टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पी राजा वेलू ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट में 28 रन इन्होंने करे, उससे पहले इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी क्योंकि नीचे बैटिंग कर रहे थे, लास्ट में ओपन करने आए और रन बनाए, तो मुझे लगता है इस मैच में ओपन ही करेंगे, तो इसलिए मैं इनको अपनी टीम में रख रहा हूँ। बाकी जे डागर का बारे में बात करें दोस्तों, तो यार जो बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है ना, तो वो आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। इनके अलावा विशाखन भी काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं, यहाँ पर गुलथन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं, लास्ट में 5 रन करे, उससे पहले 9 रन करे और 3 रन करे, और वैसे भी इनमें काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। अभी 5 रन इन्होंने 6 बॉल्स में करे, 9 रन इन्होंने 15 बॉल्स में करे, 3 रन 4 बॉल्स में करे, तो T10 में यार इतनी बॉल्स में इतने से रन, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा अच्छा कर सकते, इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। 3 हमारे बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर में सिराज आपको नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए नज़र आते प्लस बॉलिंग करते, बॉलिंग बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग अच्छी है, रीसेंट के 5 मैचेस में 6 विकेट निकाले,
पहले टीम बैटिंग करती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। इनके अलावा एस चड्डा आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाले, नंबर चार पे बैटिंग करते प्लस बॉलिंग करेंगे, और लास्ट मैच में तो भाई चार ही रन इन्होंने करे, उससे पहले 11 रन करे, 25 रन करे, 6 रन करे, लास्ट पांच मैचेस के बारे में हम बात करें दोस्तों 6 विकेट भी इन्होंने निकाले, ये भी मस्त ऑप्शन हो जाते हैं। एमडी के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का इनका रहने वाला है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट, तो वो भी मैं इनके बारे में आपको अपडेट कर देता हूँ। प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो, लेकिन अगर आप लास्ट मैच के बारे में बात करोगे तो भाई लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं कर रहे, दो मैचेस से उससे पहले 3 मैचेस में बॉलिंग करके 7 विकेट निकाले, मुझे उम्मीद है कि इस मैच में ये आपको बॉलिंग करवाते हुए नज़र आ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। बाकी वैष्णव एक और अच्छे ऑप्शन है, नंबर 5 बैटिंग करते प्लस बॉलिंग भी करवा सकते हैं, रीसेंट में 35 रन करे, 1 रन करे, 12 रन करे, 18 रन करे, वहीं लास्ट 4 मैचेस में हालांकि 2 विकेट निकाले, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी हो जाते हैं। गुरविंदर के बारे में बात करें दोस्तों, यार इनका कोई अता पता नहीं है, देखो पहले तो बैटिंग भी कर रहे थे बॉलिंग भी कर रहे थे, अभी तो यार ना तो बैटिंग करने ऊपर आ रहे ना ही बॉलिंग करवा रहे दोस्तों, तो ये थोड़े से रिस्की हो जाते, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आप चाहो तो इनको ट्राई करके चल सकते हो। अगर लास्ट मैच में देखोगे तो 1 विकेट इन्होंने निकाला था, लेकिन लास्ट मैच को छोड़ दो, उससे पहले 3 मैचेस में सिंगल ओवर तक नहीं डाले, तो वो चीज़ हो जाती है। और लास्ट मैच में नंबर 4 पे आके 16 रन भी कर दी, और उससे पहले तो बहुत नीचे बैटिंग कर रहे थे, तो अभी तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, कोई अपडेट मिलती है ऊपर बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे तो हम ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा रतन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मिनट में 31 रन करे, उससे पहले 45 रन करे, 6 रन करे, 17 रन करे, इनकी भी फॉर्म अच्छी है, आप इनको भी रख सकते हो। बाकी एन कुमार का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, लेकिन इनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यार ये काफ़ी रिस्की प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं, ओवर इनके कट सकते हैं। रीसेंट के 5 मैचेस में 3 विकेट निकाले, आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है, 5 हमारे ऑलराउंडर रहेंगे। बॉलिंग के बारे में बात करें, साई चेतन विकेट टेकर बॉलर है, अभी तक पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और लास्ट मैच में भी इन्होंने देखोगे तो 3 विकेट निकाले थे दोस्तों। लास्ट मैच के बारे में बात करिए 3 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करिए तो 10 विकेट इन्होंने निकाले। ओ पटनी अगर पहले बैटिंग करती है टीम तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब लास्ट मैच के बारे में अगर इनके बारे में हम बात करें तो लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी, उससे पहले 4 मैचेस में बॉलिंग करके 6 विकेट इन्होंने निकाले थे। एल कुमार पहले बॉलिंग में तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे और विकेट टेकर बॉलर है, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाल पाए, लेकिन रीसेंट के 5 मैचेस देखोगे तो 8 विकेट इन्होंने निकाले। ऋषि रॉथ का ऑप्शन होने वाला है, लेकिन कई बार इनके ओवर कट जाते हैं, हालांकि डीसन के 5 में से 4 मैचेस में बॉलिंग करवाते हुए सिर्फ 3 ही विकेट अभी तक निकाल पाए। पीके का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, रीसेंट के 5 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए। वीराजा का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने निकाले। इनके अलावा कोई यहाँ पे खास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे शिंदे का ऑप्शन है ज़रूर आपके पास, लेकिन इनके ओवर वगैरह कट सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से साई चेतन को अपनी टीम में रखूँगा और एल कुमार को। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, मुझे लगता है एस चड्डा एक गेम चेंजर होने वाले हैं इस मैच में, और साई चेतन आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे सिराज को भी आप कर सकते हो अगर किंग्स पहले बैटिंग करती है तो, बाकी एक प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हो वैष्णव, ये भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रिव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए अभी तो, बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना दोस्तों, और यार यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।